यूजीसी नेट जून 2018 क्वेश्चन देखिए, द सॉल्यूशंस ऑफ द रिकरेंस रिलेशन। तो ये रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है, इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ आ जाइए, तो आपको आप इसको मास्टर थ्योरम के थ्रू कर सकते हैं। तो मास्टर थ्योरम का जो फॉर्मेट है आपको पता होना चाहिए, ये है मास्टर थ्योरम का फॉर्मेट। यहाँ पे ये थीटा है और यहाँ भी ये थीटा है, ओके। तो टी ऑफ एन इजिकल टू ए टी एन बाई बी थीटा एन की पावर के लॉग पी एन। तो आपको इसे कंपेयर करना है और इससे वैल्यू निकालने। देखिए ए की वैल्यू अगर इसे कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, वन। देखिए ए की वैल्यू क्या, वन, और इससे कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर बाय थ्री। ओके, यहाँ से कंपेयर करना है आपको, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से कंपेयर करना है। मास्टर थ्योरम आपको अप्लाई करना आता है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, टी एम फोर बाय थ्री। तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस थीटा ऑफ, अब ये वाला पार्ट है ही नहीं, ये वाला पार्ट पूरा वन लिख रखा है। तो देखिए ए निकालिया, बी निकालिया, और उसके अंदर हमें के भी निकालना है और पी भी निकालना है। तो देखिए के की वैल्यू अगर इससे कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू जीरो है और पी की वैल्यू भी जीरो है, ओके। और फिर हमें चेक करना है ए और बी की पावर के। तो देखिए ए की वैल्यू क्या है, वन, और बी की पावर वैल्यू क्या है, तो बी क्या दिया हुआ है, फोर बाय थ्री, और के की वैल्यू क्या है, जीरो। तो ये क्या हो गया, वन। तो यहाँ हम देखते हैं ए इक्वल टू बी की पावर के है, तो ये वाली कंडीशन मैच कर रही है, ए इक्वल टू बी की पावर के। जब भी ए इक्वल टू बी की पावर के होगा तो वहाँ पे फिर आपके पास तीन स्टेप मिलेंगे। उसके अंदर जो फर्स्ट वाली स्टेप है वो उन्हें लिख रखी है, तो प्लीज़ आप मास्टर थ्योरम आप पढ़िए एक बार, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे हो रहा है। अगर आपके कर रखा है तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ए क्या हो गया, बी की पावर के, उसके अंदर फर्स्ट स्टेप क्या है, इफ़ पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो देखिए पी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, माइनस वन है क्या, हाँ, क्योंकि पी की वैल्यू जीरो है और जीरो माइनस वन से बड़ा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ अप्लाई करेंगे। तो ये वाली चीज़ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ देखिए थीटा ऑफ, ठीक है, एन की जगह एम लॉग ए। अब ए की वैल्यू क्या, वन, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, लॉग वन अपॉन लॉग बी। लॉग बी की वैल्यू क्या है, फोर बाय थ्री, तो इसको 1.33 लिख रहा हूँ। और आगे आ जाइए, ये क्या है, लॉग पी की वैल्यू क्या है, जीरो, और ये क्या हो गया, वन, और ये क्या हो गया, एम। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे इस वाले को, तो लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो ये पूरा क्या निकल के आ जाएगा, एम की पावर जीरो, यानी क्या हो गया, वन। तो यहाँ पे क्या बचा फिर, टी ऑफ एम इक्वल टू, यहाँ लिख लीजिए टी ऑफ एम। तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ टी ऑफ एन इक्वल टू, ये क्या हो गया पूरा, वन थीटा ऑफ, ये देखिए ये बच गया, तो लॉग एम। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए काम मैच हो रहा है, थीटा ऑफ लॉग एम, तो हमारा जो इसका आंसर है वन है। तो मास्टर्स थ्योरम आपको अप्लाई करने आनी चाहिए, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन का आंसर आप आसान आराम से निकाल सकते हैं, जो भी रिकरेंस रिलेशन आपको दिया होगा। और इस तरह का क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट एग्जाम या टीजीटी पीजीटी अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हो उसके अंदर आपको एक मिल जाएगा, और सिंपल क्वेश्चन ही मिलेगा। ओके, थैंक यू।